subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. तो वक्त हो चला है दर्दनाक कहानी का एक और मंजर आपको बताने का कि शो में इस वक्त निमकी और बब्बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस बात का डर था दोनों का वही सच हो गया है। जी हाँ, डॉक्टर ने बता दिया बब्बू को कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। जहाँ ये खबर सुन के निमकी तो एकदम सदमे में चली जाती है, मानो ऐसा लगता है कि वो जिंदा लाश बन चुकी है। तो दूसरी ओर बब्बू का गुस्सा उससे नहीं कंट्रोल होता है और वो हॉस्पिटल में ही मशीनों को तोड़ने लग जाता है। जहाँ स्वीटी बब्बू पर चिल्ला उठती है और कह देती है कि अपने आप को संभालो। और वहीं बात की जाए अपकमिंग सेगमेंट की, जहां पर अनारो देवी के खिलाफ उसका बेटा आने वाला है बब्बू, क्योंकि बब्बू कॉल करेगा अनारो देवी को और देगा धमकी कि तूने झूठी गवाही दी और इस गवाही की वजह से मैं जगह जगह की ठोकरें खा रहा हूं। इसी के चलते ये भी बोल देगा कि अब मैं तीदर सिंह को मार दूंगा और तेरे पति को भी, अब बचा सकती है तो बचा ले। तो क्या करेगी अनारो देवी, क्योंकि अनारो देवी ये कहने को भी तैयार होगी बब्बू से कि वो अपना बयान बदलने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार बब्बू किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि बब्बू ने खोया है अपना बच्चा। तो आगे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।